Assalamualaikum, this is Dr. Huma at Huma's Clinic speaking from tabib.pk's forum. आज का हमारा सेशन है अबाउट एक्नी. एक्नी इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाई ऑल एज ग्रुप्स. ज़ाहिर है शुरू में तो ये प्यूबर्टी पे बच्चों का आता है और वो हमें किसान नज़र आता है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स नज़र आते हैं स्किन के अंदर, ब्लॉकेजेस होते हैं जिससे कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं. क्योंकि जैसे ही हॉर्मोन्स हिट करते हैं तो सीबम प्रोडक्शन स्किन की ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक होते हैं और पोर्स ब्लॉक होने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन होती है. अभी अगर शुरू में ही इसके बारे में थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया जाए डॉक्टर से, जो कि नहीं किया जाता और बच्चों को कहा जाता है कि बेटा कुछ भी नहीं है और ये ठीक हो जाएगा, तो अगर शुरू में ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आया जाए तो इस चीज़ को हम अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बताएं लाइक अ फेस वॉश और टोनर और प्रॉपर केयर, तो उससे बच्चे का स्किन प्रॉब्लम वहीं पे बहुत मिनिमाइज हो सकता है. बिकॉज एट दिस एज हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स देना नहीं चाहते, कोई ऐसी इन्वेसिव ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, तो इसका बेहतर तरीका यही है कि शुरू से ही इसको एड्रेस किया जाए. वेल, अब जैसे एक्नी ज़्यादा होती है तो इसके ग्रेड्स होते हैं. एक बिल्कुल माइल्ड होती है, देन देर इज़ मॉडरेट, एंड देन देर इज़ सिग्निफिकेंटली सिवेयर एक्नी. तो उसकी ट्रीटमेंट इसी तरह है कि शुरू में हमने सिर्फ लगाने वाली चीज़ें फेस वॉश वगैरह, टोनर्स और कुछ हल्का सा एरिया के ऊपर, अफेक्टेड एरिया के ऊपर कुछ हम दवाएं लगाते हैं जिससे कि ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है. और ऊपर से हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज भी होता है, फेस वॉश करना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट्स सर में नहीं लगाने चाहिए जो कि ग्रीसअप करें फोरहेड को और स्किन को और क्लॉगअप करें. ठीक है, तो उसके बाद अगर मॉडरेट है एक्नी थोड़ी सी ज़्यादा, तो फिर हम ओरल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. और फिर अगर बहुत सिवेयर है जिसको एक्नी वल्गैरिस कहते हैं, तो फिर उसके लिए एंटीबायोटिक्स के साथ ओरल रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए हम पहले कुछ टेस्ट करवाते हैं. बच्चों की और बड़ों की एज देखी जाती है, ये देखा जाता है कि चाइल्ड बेयरिंग एज है, क्या मैरिड है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं. तो बताने का आज के सेशन का मकसद ये है कि वट एवर काइंड ऑफ एक्नी यू हैव एंड वट एवर एज ग्रुप, क्योंकि समटाइम्स इट कम्स व्हेन यू आर एन एडल्ट, बचपन में आती ही नहीं है. ठीक है, और कभी कुछ लोगों की तो मेजॉरिटी की शुरू में ही टीन्स के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव इट थ्रू आउट देयर लाइव्स. और उसको भी अगर ट्रीट किया जाए और अपनी स्किन को सही तरीके से रखा जाए तो यू कैन कंट्रोल इट, यू डू नॉट हैव टू लिव विद एक्नी. बच्चों के भी आप जल्द से जल्द उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि स्कारिंग ना हो. जब एक दफ़ा स्कारिंग होती है, स्कार का मकसद ये है कि वहाँ पे नॉर्मल स्किन ख़त्म हो गई है और वहाँ पे स्कार टिश्यू आ गया जो कि फाइब्रस टिश्यू होता है, वहाँ पे कॉलेजन ख़त्म हो जाती है. और शुरू में बच्चे कुछ उनको अगर सही तरह गाइड ना किया जाए तो वो दानों को पिक भी करते हैं, एंड व्हेन दे पिक देम तो वो बिल्कुल खड्डा बन जाता है और आइस पिक स्कारिंग हो जाती है. तो बाद में हम फिर कुछ काफ़ी सारे मोडालिटीज़ हैं हमारे पास, इफ़ समबडी हैज़ दोज तो वी कैन ट्रीट देम विद माइक्रो नीडलिंग, विद एबलेटिव लेज़र्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, और बतदरीज स्किन बहुत अच्छी हो जाती है. लेकिन हमारा बताने का मकसद ये है कि शुरू से उनका सही तरीके से ख्याल रखें, डॉक्टर से मशवरा करें, यूज़ द राइट प्रोडक्ट्स so that the skin can be saved and nobody has to live with a bad skin. So inshallah, see you next week. Allah Hafiz.